नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों आज सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए एक गुड न्यूज़ आई है दोस्तों। जी दोस्तों, एक गुड न्यूज़ आई दोस्तों। दोस्तों गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? दोस्तों अपना कंट्री इंडिया, हिंदुस्तान, भारत ये विश्व की पाँचवीं अर्थव्यवस्था बन गई है, वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है दोस्तों। जी दोस्तों, इससे पहले इंडिया सेवन्थ नंबर पर था फ्रांस और ब्रिटेन के पीछे, लेकिन अब के डेट में, आज के डेट में 2019 दिसंबर के डेट में इंडिया पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है फ्रांस और ब्रिटेन को पछाड़कर। दोस्तों इंडिया के आगे नंबर चार पर जर्मनी है, नंबर तीन पर जापान है, नंबर दो पर चाइना है और नंबर एक पर यूनाइटेड स्टेट है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी गवर्नमेंट जो अभी की करेंट गवर्नमेंट है, इंडिया लेड बीजेपी की गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। दोस्तों ब्रिटेन स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में 2020 के अनुसार भारत 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को पछाड़कर दुनिया का पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनकर दिखाने में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का लक्ष्य रखा है, 2024 का लक्ष्य में शायद थोड़ा अड़चन आ सकती है। ये काम होगा 2 साल बाद, मतलब 2026 में इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है, ऐसी इस रिपोर्ट में कहा गया दोस्तों। ये ब्रिटेन यूके बेस की एक संस्था है, उसने पब्लिश की दोस्तों। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का मतलब हुआ इंडिया सीधे सीधे चौथे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आने वाले 10 से 15 सालों में इंडिया और जापान और जर्मनी में तीनों के बीच लगातार कंपटीशन होता रहेगा कि वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी कौन बनती है। वैसे दोस्तों अगर हम थर्ड नंबर को अचीव कर लेते हैं, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं, तो उसके बाद सिर्फ चाइना ही और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही बचता है। चाइना को बीट करना इतना आसान काम तो नहीं है, लेकिन तो भी आने वाले कुछ तकरीबन 30 से 40 साल लग सकते हैं इंडिया को वर्ल्ड की थर्ड से फर्स्ट या सेकंड इकोनॉमी बनने में। ऐसा मेरा पर्सनल अनुमान है दोस्तों। मैं तो चाहता हूँ इंडिया जल्द से जल्द नंबर वन या नंबर टू बन जाए, लेकिन ये बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए कम से कम नहीं तो 40 साल तो लग ही सकते हैं आराम से। आपका क्या अनुमान है? आप प्लीज़ अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगा, मेरा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।